नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से खेती की नई तकनीकों की जानकारी देते हैं, जिससे किसान जानकारी लेकर नई तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती से ज़्यादा लाभ ले सके। नई पीढ़ी के युवा भी खेती और खेती के साथ जुड़े दूसरे व्यवसाय अपनाएं, हाईटेक फार्मिंग करें, एकीकृत खेती अपनाएं। ना सिर्फ कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण राय और जानकारी का लाभ उठाएं, बल्कि सफल प्रगतिशील किसानों के अनुभव से भी अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई, धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आपका अतीत कैसा रहा, ये एक सबक के तौर पर और प्रेरणा के लिए जरूरी तो है, लेकिन भविष्य की बुनियाद वर्तमान है। देश में कई किसान आधुनिक तकनीक के सहारे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, साथ ही खेती में समस्याएं दूर करने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए क्या करना है, उसके लिए नई नई तकनीकों और नए तौर तरीकों को खेती में शामिल कर रहे हैं। और पहले से किसानों की परंपरागत तौर पर बनी लाचार, मजबूर और तंग हाल वाली तस्वीर को बदलने में लगे हैं। ऐसे ही आधुनिक किसान हैं उत्तर प्रदेश दौलतपुर गांव, जिला बाराबंकी के एक प्रगतिशील किसान, जो अपने खेतों में कृषि की नई तकनीक के सहारे मुनाफे की फसल। जब मैं अपने खेती को देखता था और इससे जुड़ी हुई समस्याओं को देखता था कि पूरे साल हम लोग इतनी, पूरा हमारे भाई और पिताजी सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद जब साल भर के बाद में हिसाब करते हैं तो उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता, उनको ये लगता है कि इसमें बचा कुछ नहीं, पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाती है, कहीं ना कहीं से कभी सूखा गया, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, या कभी मार्केट में दाम नहीं मिला, हम लोगों की जो फसलें होती थी वो सरकारी खरीद में बिक नहीं पाती थी, तो इसलिए और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। और खेती की ऐसे तरीके और ऐसी फसलें अपनाई कि मुनाफे के नंबर बदल गए हैं। जहां पहले पूरे वर्ष में जो आमदनी मिलती थी, अब एक फसल से ही अमरेंद्र इतने रुपए कमाते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं, उनके घर के पास में करीब 20 हेक्टेयर जमीन है, जो आंकड़ों में काफी है, लेकिन 2015 तक जब पिताजी और चाचा लोग धान, गेहूं,
गन्ना उगाते थे, मुश्किल से 15-20 लाख रुपए की फसल होती थी। अमरेंद्र अभी 20 हेक्टेयर जमीन पर कई तरह के व्यावसायिक फसलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी, 10 हेक्टेयर में केला, 3 एकड़ में मशरूम, 3 एकड़ में तरबूज, 2 एकड़ में खीरा और बाकी में आलू, खाने के लिए गेहूं और पोल्ट्री फार्मिंग का काम भी कर रहे हैं। केले के साथ तो उन्होंने हल्दी और अदरक की इंटरक्रॉपिंग भी की थी, जो कि काफी सफल साबित हुई। केले की खेती लगभग हम 6 सालों से कर रहे हैं। शुरुआत में हमने 1 हेक्टेयर केले से शुरुआत किया था, सबसे पहले केला ही हमने लगाया था, और उसके बाद में 1 साल केला करने के बाद फिर दूसरे साल जब केला हमने लगाया तो हमें लगा कि बीच में जो हमारा गैप पड़ा रहता है, काफ़ी जगह हमारी पड़ी रहती है, क्यों ना हम इसमें कुछ दूसरी फसल करें। और फिर हमने ट्रायल के लिए 1 एकड़ में हल्दी साथ में लगाई, उसके बाद से केला और हल्दी की सह फसली हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। हमारी जो भी केले की और हल्दी की लागत होती है वो लगभग हल्दी से निकल जाती है, तो जो हमारा केला होता है वो पूरा हमको उसमें हमारी लागत नहीं लगती, वो पूरा हमको बेनिफिट में ही मिल जाता है। अमरेंद्र बताते हैं उनके पास वार्षिक मशरूम उत्पादन की इकाई है जिसमें मशरूम उत्पादन करते हैं, जिससे करीब 500 क्विंटल मशरूम का उत्पादन होता है। जब हम मंडी जाते थे तो देखते थे कि उसमें मशरूम भी आ रहा है, तो हमने सोचा कि जब हमें मंडी आना ही है बाकी सब्जियों को लेकर के, तो मशरूम भी करते हैं। फिर हमने एक छान से शुरुआत की इसकी, और थोड़ी बहुत एक साल में उसमें जो रिजल्ट थे वो देखे हमने। रिजल्ट देखने के बाद हमें लगा कि ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, फिर हमने उसको बड़े स्केल पे करना शुरू किया। अभी हम 500 क्विंटल मशरूम का हमारा है प्रोडक्शन, और करीब करीब इसमें 20 लाख रुपए के समथिंग लागत आती है लगभग, और 20 लाख और प्लस 10 से 15 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है। इससे इनके क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। अमरेंद्र ने ना केवल मल्टी एक्टिविटी फार्मिंग की राह पकड़ी है, बल्कि समय समय पर खेती के तरीकों में छोटे बड़े बदलाव के जरिए वो आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। अमरेंद्र बताते हैं कि खेती लंबी है, ऐसे में खेती से लेकर बाजार तक में 20 से 30 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने पड़ते हैं, और 20 से 30 लाख रुपए खर्च काटकर आसानी से बच भी जाते हैं। आगे आने वाले वर्षों में उनका मुनाफा और बढ़ जाएगा। अमरेंद्र बताते हैं कि आज खेती में सबसे बड़ी समस्या फसल की सिंचाई के लिए पानी की है, जिसको ध्यान में रखकर वो ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। फसलों में खरपतवार की समस्या और नमी बनाए रखने के लिए उन्होंने मल्चिंग तकनीक का सहारा लिया है। इन तकनीकों के इस्तेमाल के अलावा अमरेंद्र उपज की बाजार व्यवस्था पर भी खासा ध्यान देते हैं। देखिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का तो हम लोगों ने जब देखा कि हम अधाधुंध प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारे कोई भी संसाधन हो जो प्रकृति ने हमें अनमोल रूप से गिफ्ट किया है, तो उनको हम लोग अधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, और जितना हम प्रयोग करते हैं उस मतलब उस अनुपात में हमें प्रॉफिट, उसका जो यूज है हमारा वो यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा अधिकांश वेस्ट चला जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये ड्रिप टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना शुरू किया, ड्रिप स्प्रिंकलर और अलग अलग फसलों के हिसाब से मिनी स्प्रिंकलर, बड़े जो स्प्रिंकलर हैं, रेनगन है, इन सब चीज़ों का उपयोग शुरू किया हमने। तो जो हमारी सब्जी कद्दू वर्गीय फसलें हैं या सब्जियां हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनको बेसिकली हम टोटली ड्रिप पे करते हैं, और जो स्ट्रॉबेरी वगैरह है इसमें शुरुआत में हम लोग स्प्रिंकलर यूज करते हैं, लेकिन जब से इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है तो फसल पे इस पर, क्योंकि ऊपर से इसका स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए पानी पड़ने से ये ख़राब होने लगती है, तो फिर उसको हटा देते हैं और सिर्फ ड्रिप पर ही इसको हम चलाते हैं। वो खेती करने से पहले ही बाजार की नब्ज को टटोलते हैं, और जब उन्हें लगता है कि आने वाले मौसम में इन फसलों की मांग ज्यादा होगी और इससे आगे अच्छी कमाई की जा सकती है, तभी वो चुनी गई फसलों की खेती करते हैं। वो कहते हैं, चाह हो तो राह मिल ही जाती है। इन पंक्तियों को असल जिंदगी में सही साबित करने वाले अमरेंद्र आज नई तकनीकों के दम पर अपने गांव की मिट्टी से जुड़कर
लाखों की कमाई कर रहे हैं। वो अपने खेती के तरीकों के चलते हरदम सुर्खियों में रहते हैं। खेती में बेहतर तकनीक अपनाने के लिए अमरेंद्र को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, नई तकनीक नया भारत में, और आगे मिलते हैं एक प्रयोगवादी किसान से। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जिनके टमाटर, शिमला मिर्च और करेला क्षेत्र में काफी मशहूर हैं, ये सब इसलिए क्योंकि उनकी सब्जी फसलों की उपज गुणवत्ता इलाके में उगाई जाने वाली दूसरी फसलों से काफी बेहतर होती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया। 20 से 30 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने पड़ते हैं और 20 से 30 लाख रुपए खर्च काट कर आसानी से बच भी जाते हैं। आगे आने वाले वर्षों में उनका मुनाफा और बढ़ जाएगा। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में। अब आइए मिलते हैं युवा किसान से जो नई तकनीक अपनाकर कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। देश में एक तरफ जहां युवा खेती बाड़ी छोड़कर नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कृषि कार्य में जुटे हैं। खेती भी ऐसी वैसी नहीं, पूरी तरह से सुनियोजित, जिससे कि एक समय में दोगुना लाभ दिया जा सके। मिलिए एक ऐसे ही युवा किसान से। किसानों की छवि आज बदल रही है। वो नई तकनीक, नई फसलों को अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, और हमें इस मौके को भुनाते हुए हमेशा ही नई तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे हमें बेहतर मुनाफा या ये कहें कि बम्पर कमाई हो सके। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दूर दूर तक दिख रहे हरे भरे खेत में और पेड़ों पर लटकती हुई ये जो आप शिमला मिर्च और टमाटर की फसल देख रहे हैं, वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक गांव है देवली, और यहाँ के किसान हैं दिग्विजय सिंह सोलंकी, जिनके टमाटर, शिमला मिर्च और करेला क्षेत्र में काफी मशहूर हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उनकी सब्जी फसलों की उपज गुणवत्ता इलाके में उगाई जाने वाली दूसरी फसलों से काफी बेहतर होती है। उनकी सब्जी की उपज जब भी बाजार में जाती है तो लोग उसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। इसके पीछे छिपी है उनकी सालों की मेहनत। दिग्विजय सिंह सोलंकी की पढ़ाई एमकॉम तक हुई। इसके बाद इनकी नौकरी पुलिस विभाग में लग गई, जहां पर 8 साल तक पुलिस विभाग में सेवा देने के बाद खेती किसानी में शौक के चलते और खेती में कुछ नया करने की चाह में अपने गांव आ गए। शुरुआत में मेरी जॉब लगी है, 2 जॉब लगी थी। उसके बाद मैंने पुलिस में भी 8 साल सर्विस करी। हमारी पैतृक जमीन खरगोन जिले में ही ग्राम देवली तहसील गोगावा में स्थित है। शुरू से किसानी का शौक रहा था मुझे, तो कुछ नया करने की चाह में किसानी में ही हम लोग आ गए। दिग्विजय सिंह बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में पुश्तैनी जमीन पर
परंपरागत खेती से शुरुआत की, जिसमें वो कपास और सोयाबीन की खेती करते थे, जिसमें खर्च अधिक और मुनाफा कम होता था। फिर दिग्विजय सिंह ने कुछ नया करने की सोची। वो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों से मिले, जहां पर उनको कृषि वैज्ञानिकों ने सब्जी और फल बागवानी की खेती करने की सलाह दी। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर सब्जी फसलों की खेती करने लगे। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले टमाटर की खेती की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि वो टमाटर की खेती शुरू में परंपरागत तरीके से किया करते थे, पर इस दौरान उन्होंने देखा कि फसल पर लगने वाला टमाटर का फल मिट्टी के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। इसकी वजह से बाजार में टमाटर की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। इस समस्या को देखते हुए दिग्विजय ने टमाटर की खेती में नई तकनीक स्टेकिंग विधि अपनाई। इस तकनीक के तहत टमाटर की फसल को तार और बांस का सहारा देकर उगाने लगे। सबसे बड़ा फायदा कि टमाटर जमीन से मिट्टी से छू नहीं पाता, जिसके कारण टमाटर सड़ते नहीं हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ती है, साथ में क्योंकि वो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर जाते हैं, इससे उत्पादन स्टेकिंग से बढ़ता है। तो शुरुआत में जो परंपरागत खेती होती थी हमारे गांव में, वही खेती हमने भी करी। काटन होता है हमारे इलाके में, तो हमने काटन लगा रखा था। उसके बाद गेहूं की फसल बोते थे, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता था, तो उसको देखते हुए मैंने कुछ नया करने की सोची। तो हार्टिकल्चर में हमारे एस के त्यागी सर है, उनसे भी थोड़ा सा मार्गदर्शन लिया। उन्होंने बताया कि हार्टिकल्चर की फसलें काफ़ी अच्छी होती है, तो टमाटर में हमने स्टार्टिंग करी। तो टमाटर शुरुआत में जो हम लगाते थे, जो परंपरागत विधि होती थी, लांगी बना देते थे मेड़ पर और उसके ऊपर पौधों की रोपाई कर देते थे। तो उसमें हमने थोड़ा सा देखा, मैंने कुछ समय बाद उसमें जो फल होता है मिट्टी के संपर्क में आकर खराब हो जाता था, तो उस इतना अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता था। उसको देखते हुए उसी में हमने थोड़ा सा हाईटेक करने की सोची, तो तार बांस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दिग्विजय बताते हैं कि वो टमाटर की खेती पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसके लिए वो खेत की तैयारी में रोटावेटर से जुताई और खेत को समतल कराते हैं। इसके बाद 5 फीट की दूरी पर बेड बनाकर उस पर ड्रिप की पाइपलाइन बिछाई जाती है और उसके बाद मल्चिंग के लिए पॉलिथीन बिछाते हैं, जिसकी वजह से खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं। पौधों की रोपाई के लिए 1-1 फीट दूरी पर छेद किया जाता है और इस पर नर्सरी में तैयार किए टमाटर पौध की रोपाई की जाती है। पौधों की रोपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से पौधों की सिंचाई और फर्टिगेशन किया जाता है। वो बताते हैं कि टमाटर की खेती में नई तकनीकों को अपनाने से फसल की अच्छी बढ़वार और विकास होता है, जिससे रोपाई के 30 दिन के अंदर पौधों में ब्रांच निकलने लगते हैं। दिग्विजय सिंह के अनुसार जब टमाटर की दूसरी ब्रांच निकलती है, तब तारों की बंधाई शुरू हो जाती है, जिसमें 3 तार लगाए जाते हैं। 6 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तार की बंधाई की जाती है। इसके बाद क्रमशः नीचे की तरफ 2-2 फीट की दूरी पर 2 तारों की बंधाई की जाती है और जब रोपाई के बाद पौधे 1 महीने के हो जाते हैं, तब पौधों की शाखाओं के नीचे वाले तार पर रस्सी की सहायता से बंधाई कर दी जाती है। इसके बाद क्रमशः 50 दिन पर दूसरे तार पर और 60 दिन से 70 दिन पर सबसे ऊपर वाले तार पर बंधाई की जाती है। हार्वेस्टिंग करने में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। पहले लेबर को टमाटर के ऊपर चल जाता था, उसको उठाने में ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता था, और ऐसे में क्या है, तार के ऊपर वो बंधा रहता है, इजीली दिख जाता है कि कौन सा टमाटर तोड़ना है। उसके हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और एक चीज़ और देखिए कि उसमें जो लागत होती है, लागत भी बहुत अच्छी होती है, हवा का फ्लो बहुत अच्छा रहता है, गेप अच्छी रहती है, स्प्रे करने में भी काफ़ी सहूलियत होती है क्योंकि पौधा पूरा ऊपर तक स्ट्रेट रहता है, तो स्प्रे भी अच्छे हो जाते हैं। फर्टिगेशन हमारे द्वारा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किया जाता है, वेंचुरी के माध्यम से। हर हफ्ते में हम 3 दिन फर्टिगेशन करते हैं, 19-19 का, 12-61 का और 052-34 का। ठीक, विजय सिंह सोलंकी बताते हैं कि इस विधि से ये फायदा होता है के टमाटर के फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं। इससे फल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है और बाजार में अधिक दाम पर बिकता है। वो कहते हैं
कि जब वो स्टेकिंग विधि से टमाटर की खेती नहीं करते थे तब टमाटर के जमीन के संपर्क में आने के कारण अधिकतर टमाटर खराब हो जाते थे। स्टेकिंग विधि के लाभ के बारे में बताते हुए दिग्विजय कहते हैं कि इस विधि में फलों की तुड़ाई करने में आसानी होती है, जबकि परंपरागत विधि में फलों की तुड़ाई के वक्त पैर से दबकर फल खराब हो जाते थे। इसकी वजह से किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था और फलों की तुड़ाई में वक्त भी ज्यादा लगता था। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे एक सफल किसान की सफलता का राज। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। उन्हें एक एकड़ में की गई टमाटर की खेती में 70,000 से 80,000 का खर्च आता है और टमाटर की उपज बेचकर उन्हें तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया वो बताते हैं कि टमाटर की खेती में नई तकनीकों को अपनाने से फसल की अच्छी बढ़वार और विकास होता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अब ब्रेक के बाद आप सभी का नई तकनीक नया भारत में फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। दिग्विजय सिंह बताते हैं कि वो टमाटर की खेती पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उन्हें एक एकड़ में की गई टमाटर की खेती में 70,000 से 80,000 का खर्च आता है और टमाटर की उपज बेचकर उन्हें तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, जिसमें से लागत खर्च घटाने पर उन्हें 1.5 लाख से 2 लाख के करीब मुनाफा हो जाता है। इस तरह वो तकरीबन 14 एकड़ में टमाटर की खेती करते हैं और हर साल लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक भी दिग्विजय सिंह सोलंकी की खेती की तकनीक और मेहनत की सराहना करते हुए बताते हैं कि दिग्विजय जी ने जब टमाटर की खेती की योजना बनाई तो उन्होंने दिग्विजय जी को मल्चिंग तकनीक, ड्रिप और बांस बल्ली तार की पूरी स्टेकिंग तकनीक को अच्छी तरह से समझाया। इसके बाद इन तकनीकों को सही तरीके से उन्होंने अपने खेतों और फसलों में प्रयोग किया। जैसा कि दिग्विजय सिंह सोलंकी खरगोन जिले के एक प्रगतिशील युवा किसान हैं, वो जो पहले परंपरागत रूप से टमाटर की खेती, कपास की, मिर्च की, गेहूं चना की खेती करते थे, लेकिन इस बार उनका संपर्क मुझसे हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र में वो आए और उन्होंने हाईटेक हार्टिकल्चर करने की सोची और उन्होंने टमाटर की खेती का प्लान किया। तो टमाटर की खेती में हमने उनको हाइब्रिड टमाटर की किस्में, मल्चिंग टेक्नोलॉजी, ड्रिप और स्टेकिंग की पूरी टेक्नोलॉजी समझाई और जिन्होंने उसका उपयोग किया, उन्होंने उपयोग करके इस बार 16 एकड़ में हाइब्रिड टमाटर की खेती की है, जिसमें उन्होंने ड्रिप सिंचाई का उपयोग, प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग और स्टेकिंग का उपयोग किया है, जिसके से यदि कोई किसान भाई हाइब्रिड टमाटर की किस्में, ड्रिप और मल्चिंग और स्टेकिंग का उपयोग करता है तो 1 एकड़ में 500 क्विंटल टमाटर वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर कोई किसान भाई इन सब तकनीकों का प्रयोग करता है तो अपने 1 एकड़ के खेत से 500 क्विंटल टमाटर का उत्पादन ले सकता है। इसलिए हमने इनको स्टेकिंग तकनीक का सुझाव दिया और अगर किसान मल्चिंग बिछाकर टमाटर की खेती करते हैं तो 15 से 20% उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दिग्विजय सिर्फ कहते नहीं बल्कि उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से
अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अपनी ऐसी सफलता के कारण दिग्विजय आसपास के क्षेत्र में चर्चित है। उनकी सफलता की कहानी ये बताती है कि अगर सही तकनीक से सही फसल का चुनाव कर खेती की जाए तो बम्पर मुनाफा होना तो पक्का है। दिग्विजय सिंह से सीख लेकर छोटे और मध्यम स्तर के किसान अपनी फसल की बेहतरी के लिए अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और सही व उपयोगी तकनीक अपने खेतों में लागू करें तो दिग्विजय जी की तरह ही अपने खेतों से भरपूर और गुणवत्ता वाली फसल उपजाकर ज्यादा लाभ पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत से आपको काफी लाभ पहुंच रहा है और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक मनोज बख्शी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत।